बहुत ज्यादा टाइम हो गया, आज लगे है कि मैं घर में आई हूँ बहुत घना दिनों बाद, और इतनी खुशी हो रही है कि इतने सारे लोग आए हैं आज। बहुत बहुत शुक्रिया हुड्डा सर और हमारे गांव के सरपंच, मेरा पूरा परिवार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आपको ये कहूंगी कि हमारे क्षेत्र के लोगों को आप मौका दो, यहाँ स्टेडियम हो या फिर यहाँ रेंज हो, कोई भी तरीके की हमें फैसिलिटीज मिले ना, हमारे बच्चे बहुत आगे जाएंगे। तो उस लिए मैं बोलना चाहूंगी कि यहाँ स्टेडियम हो या फिर रेंज हो, तो यहाँ के बच्चों को भी उतना ही मौका मिलेगा और बहुत आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में हमारे यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया स्टेडियम्स और हमारे यहाँ के बहुत सारे खिलाड़ी भी निकलेंगे। इतनी गर्मी होने के बाद भी इतने सारे लोग आए हैं मेरे गांव से, बहुत बहुत शुक्रिया। गांव-गांव से नहीं है, आप सब लोगों को मीडिया पूरे पूरे आराम से, गांव से भी और पूरे इलाके से, पूरे इलाके से जी, पूरे झज्जर जिले में से इतने सारे इलाकों में से लोग आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा है, लगा है कि मैं जीत कर घर आई हूँ वापस, बहुत बहुत शुक्रिया। स्टेडियम तो बनी जाएगा, स्टेडियम तो बनवाएंगे ही, स्टेडियम के साथ साथ अपने गांव में, गोरिया गांव में अंतर्राष्ट्रीय लेवल की शूटिंग रेंज, ताकि जो है आम परिवार से भी बच्चा अगर शूटिंग करना चाहे तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की शूटिंग रेंज अपने गांव के अंदर अगर हमारी सरकार बनती है तो ये हम अपने घोषणा पत्र में डलवाएंगे इस गोरिया गाँव के लिए अंतर्राष्ट्रीय। और आज इस अवसर पर मैं सांसद कोटा भाती तो नहीं है क्योंकि सरकार, मगर अपने सांसद कोटे की तरफ से गोरिया गांव के विकास कार्यों के लिए आज जैसा जिसमें आप और गांव के लोग चाहें जो है गोरिया गांव के विकास के लिए मैं 25 लाख सांसद कोटे से इस अवसर पे जो है खुशी, इस खुशी में और अपनी अपनी ओर से जो है निजी तरफ से मैं 1 लाख की आपको जो अपनी तरफ से और सांसद कोटे से मैं 25 लाख की नियुक्ति का भी आप साथ कह दो, वो तो है ही, पदक लाओ पद पाओ। जब हमने पिछली बार जब हमारी सरकार थी 10 साल तब हमने सभी को नियुक्ति के लिए किसी को जो है ये तो मनु तो हमारी भेजती है और ये सबसे ज्यादा अचीवमेंट है, तो जैसी नियुक्ति चाहेगी मनु मनु के लिए कोई कमी नहीं कर सकते। पाकर को बहुत बहुत बधाई देते हैं, देश के इतिहास में पहली ऐसी खिलाड़ी बनी जो एक ओलंपिक में 2 मेडल लाने वाली पहली खिलाड़ी, ये देश के इतिहास में नाम सोने के अक्षरों में मनु बाकर का लिखा गया। हमें गर्व है, हमारे इलाके से हैं, हमारी बेटी हैं। झज्जर जिला एक ऐसा जिला 6 में से ओलंपिक के मेडल जो आए हिंदुस्तान के, 3 मेडल अकेले झज्जर जिले के आए, कितनी गर्व की हमारे लिए बात है। और 6 में से 5 मेडल हरियाणा खिलाड़ियों ने भारत माता के लिए अर्जित किए, ये हमारे लिए गर्व की बात है। मनु बाकर हमारी बेटी ने एक मांग रखी, एक बात रखी कि गोरिया गांव में एक स्टेडियम बना अच्छा और शूटिंग रेंज, ताकि बच्चे शूटिंग, आम परिवार से आने वाला बच्चा भी इस इलाके का शूटिंग के अंदर रुचि अपना ले सके। तो यदि हमारी सरकार बनेगी तो जो उन्होंने बात की है उसको हम घोषणा पत्र में रखेंगे और उसके उनकी इच्छा के अनुरूप यहाँ पर स्टेडियम और शूटिंग रेंज का विकसित कराने का काम करेंगे। इसके साथ साथ गोरिया गांव को आदर्श गांव का दर्जा, हमारी सरकार आने पर आदर्श गांव का दर्जा दिलवाने का भी हम कार्य करेंगे। जैसे पहले जो मेडलिस्ट मेडल लेके आते थे उनके गांव को आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जाता था, कांग्रेस सरकार आने पर गोरिया गांव को भी आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जाएगा और एक शूटिंग रेंज और स्टेडियम यहां पर अच्छी रूप से बनवाने का कार्य कर अभी आज ये जो कार्यक्रम है ये अभी इस पे केंद्रित हम रखेंगे, इस पे केंद्रित दिखाई दे जाए। और इसी दिन जो भी भाई हमारी बेटी मन्नू को
अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं, सम्मानित करना चाहते हैं, वे सभी स्टेज के सामने हमारी नीतू मैडम बैठी हैं, उसके पास अपना नाम नोट करवा दें। ये जिला पार्षद भी आए भाई, सिर्फ कह रहे हैं कि जी आपके हल्के में, मतलब मेरे वार्ड में 3 मेडल है।